थर्ड वर्ल्ड वॉर का मैदान पहले खाड़ी मुल्कों का तेल माना जाता था, लेकिन अब पानी को विध्वंसक जंग का केंद्र कहा जाता है। अंटार्कटिका के बाद तिब्बत तीसरा सबसे बड़ा पानी का खजाना है। तिब्बत के पठारी इलाकों में 94 ऐसी जगह हैं जहां पर अकूत दौलत छिपी है। इसे चीन हड़पने के फिराक में है। साल 1950 में चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा किया था, लेकिन जिस जगह चीन का कब्जा है वहां जलाशय बेहद कम है और ऐसे में चीन की नजर भारत की सीमा में मौजूद वाटर टावर पर है। तो सवाल यहां पर यह, क्या पठार के इसी वाटर टावर के लिए भारत और चीन की यह टक्कर होने वाली है? जवाब इस रिपोर्ट में आप देखिए। तिब्बत के पठारों में ड्रैगन के बारूद की गंध है। चीन युद्धाभ्यास में जुटा है। ड्रैगन ने इस पठारी इलाके में अपनी सबसे विध्वंसक और जालिम एलीट पैरे स्पेशल फोर्स को जंग के मैदान पर तैनात किया है। ड्रैगन की नजर तिब्बत के उस खजाने पर है जिसके लिए चीन भारत से जंग तक का खतरा मोल लेने के लिए तैयार है। किस खजाने के लिए चीन भारत से जंग लड़ने को रेडी है? तिब्बत की किस अकूत दौलत पर ड्रैगन की नजर है? तिब्बत का वाटर टावर चीन भारत की जंग का केंद्र। विस्तारवाद तो ड्रैगन के खून में दौड़ता है। अकूत संपदा वाली नदियां ड्रैगन की सबसे बड़ी कमजोरी हैं। तिब्बत के पास वो खजाना है जिसे डकारने के लिए चीन ने साल 1950 में तिब्बत पर कब्जा किया। तिब्बत के जर्रे जर्रे में अकूत संपदा छिपी है। इस पठारी इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक भंडार मौजूद है। आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद तिब्बत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जलाशय है। इसे थर्ड पोल और वाटर टावर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तिब्बत में दर्जनों ऐसी नदियां हैं जो चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया को जाती हैं। ये नदियां दुनिया की 45% आबादी का आधार हैं। चीन की प्यास भी तिब्बत की नदियां बुझाती हैं। चीन की खेती तिब्बत की नदियों पर टिकी है। भारत और चीन के बीच में लद्दाख में जारी तनाव के पीछे तिब्बत में मौजूद जलाशय भी एक बड़ी वजह है। लद्दाख के जिस इलाके में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का कब्जा है वहां कोई बड़ा जल स्रोत नहीं है। तिब्बत में 94 से ज्यादा खनिज हैं, जिन पर विस्तारवादी ड्रैगन गिद्ध की नजरें गड़ा कर बैठा है। उधर भारत के लिए भी उत्तरी नदियों पर निर्भरता ज्यादा है जिन्हें तिब्बत से पानी मिलता है। चीन नदियों और खनिजों का भूखड़ है। इसके सबूत इतिहास के पन्ने खगालने पर मिलते हैं। तिब्बत के पठारी इलाके के जलाशयों और खनिज संपदा में चीन की दिलचस्पी पुरानी है। इसी अकूत खजाने को हड़पने के लिए चीन ने साल 1950 में यहां पर अवैध कब्जा जमा लिया। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी।